दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ये वामपंथी और लिबरल्स हमेशा अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए कभी अल्पसंख्यक समुदाय के आड़ में छुपते हैं, तो कभी एलजीबीटी कम्युनिटी के आड़ में छुपते हैं, ताकि इन पर कोई सवाल ना उठा पाए, कोई इनका विरोध ना कर पाए, और अगर कोई विरोध करे ही तो विक्टिम कार्ड खेला जा सके। तो इसी प्रकार से अभी कैप का विरोध करने के लिए ये लोग अभी तथाकथित स्टूडेंट्स की आड़ में छुपकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत और जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने जो न्यूज़ सुनी होगी ना, कल परसों से सारे देश के वामपंथी बुद्धिजीवी बॉलीवुड वगैरह फूट फूट कर छाती कूट कर रो रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स पर हमला किया दिल्ली पुलिस ने वगैरह वगैरह, जो कि एक पूर्ण रूप से केवल प्रोपेगेंडा है। इसके लिए फेक वीडियोज, फेक फोटोज, फेक न्यूज ये सारा स्प्रेड किया गया है पिछले 2 दिन में। बिल्कुल, आपने जो कुछ भी देखा कि भाई दिल्ली पुलिस ने हमला वगैरह किया, ये पूर्ण रूप से केवल और केवल वामपंथियों का एक प्रोपेगेंडा है, और ये करना इनके लिए बहुत जरूरी था। जैसे कि देखिए, जेएनयू में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, अफजल गुरु अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा वगैरह वगैरह जो नारे लगाए गए थे, उस समय भी उन लोगों को डिफेंड करने के लिए, ऐसे देश विरोधी नारे लगाने वालों को डिफेंड करने के लिए तुरंत इन्होंने थ्योरी एक झूठ एक प्रोपेगेंडा फैलाया था कि भाई ये डॉक्टर्ड वीडियोज है, एडिटेड वीडियोज है, जो कि पूर्ण रूप से गलत था। शायद इन्हीं लोगों ने 100 सही वीडियोज में कुछ एक दो ऐसे डॉक्टर वीडियो शायद इन्हीं लोगों ने डाले होंगे, क्योंकि अगर 100 वीडियोस अगर सही हो तो किसी को उनको डॉक्टर बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी। बाकी दिल्ली पुलिस ने बाद में जब जांच की तो वो वीडियो सही पाए गए जो ये नारे लगाए गए थे, और नारे छोड़ दीजिए यार, वो तो बरसे ही अफजल गुरु की थी। तो कुल मिलाकर इनका प्रोपेगेंडा होता है कि जब भी देश के सामने ये एक्सपोज होने लगते हैं ना, तो एक्सपोज ना कहीं हम हो जाए, इसलिए हमेशा किसी न किसी की आड़ में छुपते हैं, कुछ फेक थियोरीज की आड़ में छुपते हैं, और अभी भी इन्होंने ऐसा ही किया। बिल्कुल, ये भी स्टूडेंट्स की तथाकथित स्टूडेंट्स की आड़ में छुप रहे हैं। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, आपको सच में हंसी आएगी कि किस प्रकार की फेक थियरीज इन लोगों ने बनाई है। सबसे पहले ये झूठ स्प्रेड किया गया कि भाई जामिया के 2-3 स्टूडेंट्स को मार डाला गया है, बहुत हाथ पैर तोड़ दिए हैं दिल्ली पुलिस ने। ये सच्चाई अब देखिए, मेरे दोस्त मर गए, पता ही होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर, यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं, लोगों के सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं, रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़की। एक रूमर चल रही है, एक बहुत स्ट्रांग रूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और 2 बच्चे मर गए, इस तरह के। हम सब उसको डिनाई करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जामिया का कोई भी आदमी ना मरा है ना इसके इस पूरे में। ऐसे वर्स्ट परफॉर्मेंस पर, ऐसी नौटंकी पर तो केवल बॉलीवुड ही विश्वास कर सकता है। इसके बाद में एक और झूठ फैलाया गया कि भाई दिल्ली पुलिस बस को जला रही है। वाह भाई वाह, अब ये जरा वीडियो देखिए। दिल्ली पुलिस बसों में आग लगा रही है, इंडिया टीवी की टीम ने वो बस ढूंढ निकाली है। सबसे पहले DL1PD0299 ये वो बस है जो इस वक्त राजघाट डिपो पे खड़ी है। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है और आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस बस को जला रही है, जबकि हकीकत आपके सामने है, बस टूटी है, जली नहीं। उस वीडियो में टायर के बगल से पुलिस वाले कैन से कुछ डालते नजर आते हैं, तो यहाँ इस बात का सीधा सबूत है कि ये सीट आप जो देख रहे हैं इस पर आग लग गई थी, जिस पर पानी डालकर आग को बुझाया गया है। यानी राजनीति जो इस पूरे मसले पर हो रही है उससे बचने की जरूरत है। इसके बाद में अगला झूठ स्प्रेड किया गया कि भाई आरएसएस वाले दिल्ली पुलिस के ड्रेस में हैं, दिल्ली पुलिस आरएसएस वालों की मदद ले रही है वगैरह वगैरह, कई सारी बातें कही गई। अब ये दिल्ली पुलिस ने खुद क्या कहा है सुनिए। आया है जिसमें एक किसी व्यक्ति का ट्विटर का फोटो, उसका प्रोफाइल दिखाकर, किसी छात्र संगठन का है वो, उसके साथ हमारे दिल्ली पुलिस का एक सिपाही जो कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त में वो खड़ा है और वो बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ खड़ा है, उसको मैच करके कहा जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है। ये सरासर गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहले पानी को पेट्रोल बोला गया और तमाम जो वीडियो जो किसी देश के किसी अन्य जगह के हैं, किसी अन्य समय के हैं, उसको जामिया इलाके की पुलिस फायरिंग बताया गया। इस तरीके से कई झूठ जहां पे चल रहे हैं, तब किसी भी हमारे सिपाही को किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोड़ देना, उसको घूस नाम दे देना, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अपील करना चाहूंगा इस प्रकार के दुष्प्रचार, इस प्रकार के अफवाहों से ये जो फैलाने वाले हैं, इस तरह से करने से बचें और लॉ एनफोर्समेंट पुलिस को सहयोग करें कानून व्यवस्था बनाए रखने में। इसके बाद वामपंथियों के द्वारा या तथाकथित कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा, बरखादत जैसे कुछ पत्रकारों के द्वारा एक फोटो को बहुत स्प्रेड किया गया, जहां पर हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस लड़की के ऊपर डंडा चला रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत साबित हुआ।
सच्चाई यह है कि एक कट्टरपंथी तथा कथित छात्र उन लड़कियों के पीछे छुप रहा था और वो लड़कियां उसको अपने पीछे छुपा रही थी। बाद में पता चला कि भाई यही सेम लड़कियां अलग अलग जगहों पर हमें दिखाई दे रही है। बरखा दत्त के साथ में उनका फोटो हमें दिखाई दे रहा है। और जितना मैंने कुछ जानकारी मुझे मिली है, उन्होंने याकूब मेमन का भी समर्थन किया था। मतलब देखिए किस प्रकार का प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जाता है। इसके बाद ये कहा गया कि भाई दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को बहुत पीटा। सच्चाई आप खुद देखिए। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर ट्यूब और ये बम पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बाहर निकले। यहाँ पे तमाम अफसर तमाम लोग हैं जो आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं करे जिससे इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो। ये फिर जो पत्थर आ रहे हैं, ट्यूब आ रही है और ये सारी चीजें जो है इसको आप बिल्कुल नहीं करें। ये दोनों तरफ से जो आ रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग आए। ये बच्चा आगे नहीं आए, ये बच्चा बिल्कुल आगे नहीं आए। बच्चों मैं ये गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़ा हूँ। बच्चों आप लोग बाहर नहीं निकले। बच्चों पत्थर नहीं मारे, ट्यूब नहीं मारे, बोतल नहीं फेंके। आप लोग अपना, बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग अपना अंदर शांति से बैठे रहे, बिल्कुल पत्थर नहीं चलाए। यानी पुलिस तो उनको बेटा बेटा कहकर, बच्चा बच्चा कहकर बाहर बुला रही थी और ये उन पर पत्थर फेंक रहे थे या कुछ ग्लास वगैरह ट्यूब वगैरह ऐसे कुछ फेंका जा रहा था पुलिस के ऊपर। और ये सब के समय पुलिस के क्या हालत थे आप जरा खुद देखिए, किस प्रकार से गंभीर रूप से कुछ पुलिस घायल हुए हैं। तो आपने कहाँ लगाए पत्थर? अब इन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित छात्रों ने वहां पर दिन भर क्या क्या किया था ये जरा आप देखिए। एक हाथ में पत्थर। यह है दिल्ली चांदनी मिलिया कॉलेज, देख लो शिक्षकों द्वारा कश्मीर जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। मारने के बाद कैंपस में छुपक जाते हैं ये लोग, मारने के बाद कैंपस में भागते हुए भगवान की पत्थर मारते वीडियो। कैंपस में नियंत्रण दे रखी है। अब आप खुद बताइए दोस्तों, ये सब जब आगजनी तोड़फोड़ जामिया के तथाकथित छात्र कर रहे थे तो क्या दिल्ली पुलिस को मुखदर्शक बने बैठे रहना चाहिए था? क्या उन्हें कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इतना ही नहीं, इन तथाकथित छात्रों ने एक महिला पत्रकार के शील को तक भंग किया, उसको ये घेर कर खड़े हो गए। इतना भयानक है, आप देखिए किस। आप अपना ध्यान रखिए, और ये सब करने के लिए किस प्रकार से इन तथाकथित छात्रों के द्वारा लोगों को भड़काया गया था ये वीडियो आप देखिए। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। ठीक है, क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? बताइए आप। यूपी में शहरी आबादी मुसलमानों के 30% के ऊपर है। अरे भाई शर्म करो, 30% का शहर चल क्यों रहा है? दूसरी चीज, बिहार में जिस इलाके से मैं आता हूँ यही आबादी 6% है, शहरी आबादी 24% है। एक समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान शहरी है, शहर में रहता है, शहर बंद कीजिए।
और जो किसी और रास्ते पे ले जाए उसको तर्क दीजिए, भगाइए। तुम हमारे इतना ही नहीं, इन जामिया के तथाकथित छात्रों ने हमें हिंदुओं से आजादी चाहिए इस प्रकार के नारे खुले आम लगाए। वो कि कोई अपने कैंपस में दो चार लोगों के बीच खड़े होकर नहीं, हजारों हजारों लोगों ने ये नारे लगाए कि हमें हिंदुओं से आजादी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को तुरंत डिफेंड करने के लिए, उनको सपोर्ट, उनके समर्थन में द क्विंट जैसे उनके ही ग्रुप का जो हिस्सा है, तुरंत ये लोग उनके डिफेंड में आ जाते कि भाई उन्होंने हिंदुओं से नहीं हिंदुत्व से कहा है, हिंदुत्व से हमें आजादी चाहिए। भाई मतलब इस देश के लोग क्या बेवकूफ है? देखिए ये किस प्रकार से एक इकोसिस्टम इनका बना हुआ है, कैसे ये झूठ स्प्रेड करते हैं। अब एएमयू में जो नारे लगाए गए थे वहां पर उन्होंने हिंदुत्व कहा था कि भाई हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, ये नारा उन्होंने लगाया था। अब वहां पर हिंदुत्व कहा था, पर जामिया के इन स्टूडेंट्स ने हिंदुओं से हमें आजादी चाहिए स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन फिर भी द क्विंट जैसे उनको डिफेंड करते हैं। और चलिए ना, हिंदू हो हिंदुत्व हो, आखिर इनका उद्देश्य क्या है? कैप के विरोध में अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर हिंदुओं से आजादी का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे मुस्लिम भाई और इस्लाम अलग अलग नहीं होता, उसी प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व भी अलग नहीं होता। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व को भी अलग नहीं किया जा सकता। और ये वामपंथियों का बहुत दशकों पुराना प्रोपेगेंडा है यार, कि हम हिंदुत्व का विरोध करते हैं लेकिन हिंदुओं का नहीं करते। ये प्रोपेगेंडा ऑलरेडी दशकों पहले एक्सपोज हो चुका है। क्या आप इस देश के लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि आप इस प्रकार से समाज में दरार डालोगे, समाज में नफरत और जहर फैलाओगे और लोग बेवकूफ है सुन लेंगे? यही वामपंथी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी देते हैं या उसका समर्थन करते हैं या उन लोगों के साथ में जाकर खड़े होते हैं, जन्माष्टमी के पोस्टर्स फाड़ते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। और ये सब करने वाले ये कहते हैं कि भाई हमें हिंदुत्व से आजादी चाहिए लेकिन हिंदुओं से, हिंदुओं नहीं कहा हमने, हिंदुओं नहीं कहा। भाई देश के लोग बेवकूफ नहीं है तो ये सब तोड़फोड़ आगजनी हिंदुओं को खत्म करने की, उनसे आजादी की वगैरह जो बातें की गई, हिंदुत्व हिंदू जो भी क्विंट की नौटंकी है, तो ये सब जब बातें इन्होंने की तो इसके बाद में पूरा बॉलीवुड इनके सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया कि हाँ भाई हम भी हिंदू फोबिक है और ये तो हमें मतलब हमारी ही बातें कर रहे हैं। हम दशकों से फिल्मों के जरिए इस देश की युवा पीढ़ी पूरी की पूरी तीन तीन जनरेशन के अंदर हिंदू फोबिक या हिंदुओं के खिलाफ जहर भरते आ रहे थे और ये तो हमारी ही भाषा बोल रहे हैं, तो बॉलीवुड तुरंत इनके सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया। उसमें हैं आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल, जावेद अख्तर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, मनोज वाजपेयी और भी बहुत सारे, लंबी लंबी लिस्ट है। लेकिन इसका परिणाम कितना भयानक हुआ आप सोचिए। इन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित छात्रों का जो इन्होंने सपोर्ट किया, इसकी वजह से जो सीलमपुर में हुआ वो रूह कांप देगा, रूह आपकी कांप जाएगी वो देखकर। जो सीलमपुर में हुआ, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों की बस के ऊपर तक हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, पुलिस स्टेशन को तक जलाया गया। ये वीडियो आप देखिए। पुलिस वाले को मार रहे हैं, देख बदतमीजी। बॉलीवुड ने उन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित छात्रों का सपोर्ट किया, समर्थन किया, उनके साथ में जाकर खड़े हो गए। उसी वजह से दिल्ली के ही सीलमपुर में ये सब हुआ, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई इस देश के सारे वामपंथी, सारे लिबरल्स, पूरा का पूरा बॉलीवुड हमारे साथ में खड़ा है, तो उनकी तो हिम्मत बढ़ गई। इसी वजह से बच्चों की बस पर उन्होंने हमला किया। इसके लिए बॉलीवुड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि यही लोग पूरी की पूरी एक यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कल इन्हीं बॉलीवुड के एक्टर्स ने या लिबरल्स ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया होता ना सबने कि भाई इस प्रकार की आगजनी मत करो, इस प्रकार की तोड़फोड़ मत करो, इस प्रकार की प्रोटेस्ट मत करो, तो शायद ये प्रोटेस्ट रुक भी जाती। लेकिन इन ये कितने ज्यादा इनकी नीच और कितनी घिनौनी सोच देखिए इन बॉलीवुड के तथाकथित इन स्टार्स की। इन्होंने इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कहा,
आप सब जो जो मैंने इस पर कल जो पूरा वीडियो बनाया है या सारे बॉलीवुड के इन तथाकथित एक्टर्स के आप देख लीजिए, सबने इन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित छात्रों की प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कहा। उसका विरोध करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। सिलेक्टिव आउटरीच करके देश को जलाना, देश में दो समुदायों के बीच में खाई पैदा करना, नफरत और जहर फैलाना, और जो हिंदूफोबिक माइंडसेट है बॉलीवुड का, वामपंथियों का, लिबरल्स का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इनके इस प्रकार से फेक नैरेटिव क्रिएट करने की वजह से, फेक प्रोपेगेंडा की वजह से कुछ जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका, जिस प्रकार से उनकी हिम्मत बढ़ रही है, ये उल्टा उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं कि ये जो कैब बिल है या जो एनआरसी बिल है उसका इस देश के किसी भी नागरिक से कोई भी दूर दूर तक भी कनेक्शन नहीं है। प्लीज इन वामपंथियों के, लिबरल्स के, इन बॉलीवुड के तथाकथित स्टार्स के बहकावे में मत आइए। इनका तो काम है लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। प्लीज जो भी लोग इस देश में वोट देते हैं या फिर सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, राशन लेते हैं, जो भी इस देश के नागरिक है, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय से हो, उनको कैब हो, एनआरसी हो, उससे क्या मतलब है? पर फिर भी ये सब झूठ, जहर, नफरत ये बॉलीवुड लिबरल्स और वामपंथी फैला रहे हैं। प्लीज इनकी बातों में मत आइए। इन लोगों के इस प्रकार से उकसाने की वजह से, भड़काने की वजह से देखिए किस प्रकार से लोग देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बातें कर रहे हैं। अनिल शाह और मोदी, तुम दोनों सुन लो और कान के पर्दे खोल के सुन लो। जब जुल्म सितम हद से बढ़ता है तो इस्लाम हमें जिहाद की इजाजत नहीं देता है। अभी हम मर नहीं गए, हमने सर पे कफन नहीं, हमने तलवार हाथ में उठाने का